तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आज के इस नए सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है। देखिए, पिछले हम 1 महीने में हमने मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है। निफ्टी में एक हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिला है, बट कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो मार्केट में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कहीं ना कहीं वो अपना पैसा या तो FD में निवेश करते हैं या डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो रिटर्न्स हमारे डेट म्यूचुअल फंड हो या FD की बात करें, जो उसमें रिटर्न्स मिलते हैं, अगर हम पोस्ट टैक्सेशन रिटर्न की बात करें, वो हमारे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। तो आज हम उसके ही एक ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करेंगे, आप कहाँ पर वो इन्वेस्टर और कहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हाइब्रिड कैटेगरी में इक्विटी सेविंग फंड्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ इस कैटेगरी के AUM के बारे में, वो है अराउंड 40,000 करोड़ रुपीज एज ऑन 30 सेप्टेम्बर 2024, जो कि एक साल पहले इस कैटेगरी का AUM था 22,000 करोड़ रुपीज। सो पिछले एक साल में हमें 80% का जंप देखने को मिला है इस कैटेगरी के AUM में। तो काफी निवेशक अब इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है तान्या राघव, हु इज प्रोडक्ट मैनेजर एट मिरे एसेट म्यूचुअल फंड। तान्या हैज प्रीवियसली वर्क विद SBI म्यूचुअल फंड एंड ICICI म्यूचुअल फंड। सो वेलकम तान्या एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टूडे फॉर अस। सो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाँ सो जी सर, बिफोर बिफोर वी जंप टू इक्विटी सेविंग फंड, सबसे पहले आप हमारे इन्वेस्टर को और पार्टनर्स को ये बताइए, ये हाइब्रिड फंड क्या होते हैं एंड ये कैसे प्योर इक्विटी फंड से अलग होते हैं? श्योर। सो म्यूचुअल फंड्स, अगर ब्रॉडली हम लोग बात करें, दो तरह के म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर्स को पता है। एक है प्योर इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिनको कहते हैं, देन इज डेट म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, उन कंपनीज की स्क्रिप्ट के अंदर वो इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। अब तरह तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कुछ सिर्फ लार्ज कैप मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं मार्केट कैप बेस्ड फंड्स। मतलब वो फंड्स ज्यादातर एक बायसनेस के साथ आते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर मार्केट कैप में इन्वेस्ट करेंगे। वो लार्ज कैप फंड्स हो सकते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। अब कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं इक्विटी में ही, जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एंड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अब इक्विटीज के अंदर थीमेटिक भी है एंड वो वेरियस थीम्स है। आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक थीम है, हेल्थ केयर एक थीम है, जो भी इमर्जिंग थीम है उसको कैप्चर करने के लिए, ताकि आप उस थीम में प्ले कर पाए थ्रू यू नो वेरियस कंपनीज जो कि उस थीम के अंदर ऑपरेट करती हैं। वो क्या थीमेटिक पार्ट। अब डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, ड्यूरेशन के ऊपर भी बेस्ड कैटेगरी हो सकती है, जैसे कि आपके गिल्ड फंड जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो कि ड्यूरेशन के बेसिस पर है कि वो आपके 3 इयर्स तक के टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करेंगे, या वो आप कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन फंड होते हैं जो कि आपके 7 to 10 इयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं। अब ये दोनों बास्केट एकदम एकदम ऑपोजिट है। इक्विटी कंपनीज में करेगा, डेट यू नो आपके सिक्योरिटीज में करेगा, बॉन्ड्स में करेगा। अब वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब एक ऐसा कैटेगरी है विच इज कॉल्ड हाइब्रिड कैटेगरी, विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, वो एकदम बीच में आता है। उसमें कुछ पार्ट इक्विटी होता है, कुछ पार्ट डेट होता है उसके अंदर। अब हाइब्रिड के अंदर भी अब ऐसा तो नहीं है ना कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी वन, दैट इज नॉट द केस, राइट। हर इन्वेस्टर की नीड्स अलग है। अगर से आपके फाइनेंशियल गोल्स अलग है, आपका एज ग्रुप अलग है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग है, इसी वजह से हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है। ये कुछ कैटेगरीज हाइब्रिड फंड्स की है, एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी, बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी, मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी, आर्बिट्राज फंड्स एंड ऑफ कोर्स इक्विटी सेविंग्स फंड कैटेगरी। सो इक्विटी सेविंग्स फंड्स पे तो हम बात करेंगे ही, सो उसके अलावा आई जस्ट टेक अ मिनट एंड बाकी सारी कैटेगरीज का मैं एक ओवरव्यू जरूर बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी की। इस कैटेगरी के अंदर जैसे नाम में ही एग्रेसिवनेस है, एग्रेसिव है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि इक्विटी प्रोपोर्शन थोड़ा हाई होगा इसके अंदर, डेट प्रोपोर्शन थोड़ा लो होगा।
ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स की अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें, इस कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की रेंज 65 to 75% के बीच में, इसमें नेट इक्विटी होता है एंड रिमेनिंग आपका कैश एंड डेट के अंदर होता है। फिर आता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स 3 से 4 तरह के कॉमोडिटीज में या एसेट क्लासेस में, नॉट कॉमोडिटीज, एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं एंड प्रीडोमिनेंटली मिनिमम 10% तो एक कॉमोडिटी में इन्वेस्ट एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम होना ही होता है एज पर द सेबी रिक्वायरमेंट फॉर दिस कैटेगरी। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने मिनिमम 10% का वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर किया हुआ है, कुछ सिल्वर में भी करते हैं, कुछ अदर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में भी करते हैं। सो वो आ गया आपका मल्टी एसेट कैटेगरी, जिसके अंदर इक्विटी भी है, आर्बिट्राज भी है, आपका कॉमोडिटी भी है एंड थोड़ा प्रोपोर्शन, रिमेनिंग प्रोपोर्शन डेट का भी है। इसी तरह अच्छा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, ये भी एक बैलेंस्ड या डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी है। ये इक्विटी मार्केट्स के हिसाब से एक बैलेंस मेंटेन करता है कि इसका नेट इक्विटी एसेट एलोकेशन ज्यादातर फंड्स का उस रेंज में रहता है जो रिलेटिवली कंजर्वेटिव है, बट एग्रेसिव हाइब्रिड से थोड़ा कम एंड इक्विटी सेविंग फंड से थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है। सो इट जस्ट प्रोवाइड्स दैट राइट बैलेंस। नाउ फाइनली कमिंग टू द इक्विटी सेविंग्स फंड कैटेगरी। अब इक्विटी सेविंग्स फंड कैटेगरी में क्या है कि आपका मिनिमम नेट इक्विटी एसेट एलोकेशन हैज टू बी बिटवीन एटलीस्ट 35% आपका होना चाहिए सो दैट इट क्वालिफाइज एज एन इक्विटी इक्विटी टैक्सेशन म्यूचुअल फंड इन अ हाइब्रिड कैटेगरी। दैट इज व्हाट इक्विटी इक्विटी सेविंग्स फंड इज। अब इसको और समझते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया। एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस किसी भी एक म्यूचुअल फंड से क्या होती है, स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जो कि थोड़ा रिस्क प्रोफाइल उनका लो है, उनको रिस्क एपेटाइट ज्यादा, उनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है नहीं, कि मेरे जो रिटर्न परफॉर्मेंस हो या परफॉर्मेंस हो, रिटर्न्स हो, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स थोड़े एफिशिएंट हो, म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन बीटिंग हो, गुड यू नो इट इज द म्यूचुअल फंड इज गुड फॉर बोथ मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए एंड एक रीजनेबल परफॉर्मेंस ऑफ विज़ा विज़ यू नो मेजर इक्विटी इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स हो गया। सो ये एक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होती है एंड रिस्क में हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि ज्यादा एकदम ज्यादा ना गिरे मार्केट। यू नो जब जैसे अभी थोड़े टाइम में आप पिछले कुछ एक दिनों में देख रहे हैं कि मार्केट इज फॉलिंग, बट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स यू नो उनकी यही एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारा फंड मार्केट की तरह ना गिरे, जितनी स्पीड से जितनी वॉलिटिलिटी से मार्केट चल रहा है वैसे भी उस वॉलिटिलिटी से भी ना चले एंड यू नो ब्रॉडर मार्केट सिग्नल्स कैप्चर हो रहे हो, मतलब पार्टिसिपेशन हो उन थीम्स में जो कि आर डूइंग वेल एंड थोड़ी लोअर वॉलिटिलिटी हो एंड वो जिसको कहते हैं ना गेयर्स आर चेंज्ड एज पर द रोड अहेड, मतलब जिस भी तरह का ट्रेंड या अपकमिंग ट्रेंड आ रहा है दैट इज एडिक्वेटली कैप्चर्ड उस एक म्यूचुअल फंड में थ्रू यू नो रिस्क एंड रिटर्न डाइवर्सिफिकेशन। एंड हर किसी को एक एक्सपीरियंस ऐसा ही चाहिए कि यू नो एक डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी काफी ज्यादा जरूरी होती है कुछ म्यूचुअल फंड्स के लिए, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका थोड़ा रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट एंड लो होता है। व्हाट दे वांट इज दैट यू नो प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल जिसको कहते हैं ना, दैट इज मच मोर रिक्वायर्ड ओवर देयर, कि एक स्टेबिलिटी रहे, हर दूसरे दिन एकदम ऊपर या एकदम नीचे वाले रिटर्न्स नहीं उनको देखने हैं। सो दिस इज वेयर इक्विटी सेविंग्स फंड एक्चुअली कम्स इनटू द पिक्चर अमंग हाइब्रिड फंड्स आल्सो। अगर बेसिकली हम इसको समराइज करें, हमारे पास 3 तरह के फंड होते हैं। इक्विटी फंड जो कि बेसिकली आपका कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो हमारी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती है। डेट फंड होते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कमर्शियल पेपर्स इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा होता है हाइब्रिड कैटेगरी जो मिक्सचर ऑफ बोथ करते हैं, इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करेंगे और डेट में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारे हाइब्रिड कैटेगरी होती है एंड इस कैटेगरी में हमारा फंड आता है इक्विटी सेविंग फंड जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सो राइट आप तानिया ये बताइए कि किस तरह इक्विटी सेविंग फंड हमारे इन्वेस्टर को वॉलेटिलिटी से भी बचाता है एंड बेटर रिटर्न भी देता है कंपेयर टू एफडी या अगर हम बात करें डेट म्यूचुअल फंड की। ये कैसा पॉसिबल है कि इक्विटी में भी श्योर इन्वेस्ट कर रहा है और रिस्क भी कम ले रहा है? हाउ इज इट, मतलब ये श्योर पॉसिबल कैसे है? राइट। सो इक्विटी सेविंग्स फंड को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो इसके अंदर 3 एसेट क्लासेस है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। एक्चुअली 3 एसेट क्लासेस है विच यू नो जिसमें कि ये फंड पार्टिसिपेट करता है। अब वो डायनामिक ट्रियो कौन सा है, एक है इक्विटी का, एक है आर्बिट्राज का एंड एक है फिक्स्ड इनकम का या फिर डेट एसेट क्लास का। अब इक्विटी हम सबको पता है कि यू नो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम
इट एम्स टू यू नो ये आपकी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होता है, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा वॉलेटाइल भी होता है एज एन एसेट क्लास. सो इसीलिए कहते हैं कि एकदम प्योर इक्विटी आपका रिलेटिवली वॉलेटाइल होता है. हाउ एवर इसके अंदर दो और एसेट क्लासेस हैं, वन इज फिक्स्ड इनकम या डेट एसेट एंड द अनदर इज आर्बिट्राज. अब फिक्स्ड इनकम क्या होता है ना, इट हेल्प्स यू इन यू नो डाउनसाइड प्रोटेक्शन. इसका एक मेजर रीजन ये भी है क्योंकि फिक्स्ड इनकम एंड जो प्योर इक्विटी है दे आर इनवर्सली कोरिलेटेड, मतलब इनका एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. हमने हिस्टोरिकली जो भी डेटा पॉइंट्स नोटिस करा है, जब जब वी सी एन इंक्रीज या हम लोग बढ़ोतरी देखते हैं इक्विटी मार्केट्स में, फिक्स्ड इनकम थोड़ा यू नो रिलेटिवली उसके अंदर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. मतलब अगर से फिक्स्ड इनकम थोड़ा लो जाएगा तो इक्विटी हम उस टाइम पीरियड में थोड़ा हायर जाते हुए देखते हैं, जिस टाइम पीरियड पे इक्विटी लोअर जाता है उस टाइम पीरियड में फिक्स्ड इनकम थोड़ा रिलेटिवली हायर जाता है. तो इनका एक जो कॉम्बिनेशन है वो एक इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों एसेट क्लासेस का. नाउ थर्ड एसेट क्लास इसमें आ जाता है आर्बिट्राज. आर्बिट्राज क्या करते हैं, इट हेल्प्स यू टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ वॉलेटिलिटी, क्योंकि इसमें नेट नेट आपका आर्बिट्राज हेल्प कैसे करता है किसी भी यू नो म्यूचुअल फंड को, वो ऐसे करता है कि आप में इसमें आपके जो लॉन्ग पोजीशंस होते हैं और जो शॉर्ट पोजीशंस होते हैं वो दोनों स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं आपकी. सो यू नो मे बी आपने कुछ स्टॉक ए लिया है, उसका आपने लॉन्ग भी लिया, उसने आपका आपने उसका शॉर्ट भी लिया है, सो आप उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं. जब आप स्क्वायर ऑफ कर देते हो मार्केट में, मीन्स नेट नेट यू डोंट हैव दैट ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, यू आर जस्ट प्लेइंग ऑन यू नो जिसको हम लोग स्प्रेड्स बोलते हैं, उस चीज पे आप प्ले करते हो इन आर्बिट्राज. तो आर्बिट्राज एज एन एसेट क्लास और एज अ फंड ऑल्सो, इसके अंदर भी वॉलिटिलिटी बहुत कम होती है बिकॉज आप अपना डाउन साइड प्रोटेक्ट कर रहे हो इसके अंदर भी. इट इज नॉट ए लॉन्ग ओनली पोजिशन जो आप उसके अंदर ले रहे हो, लॉन्ग आप अपनी डाउन साइड प्रोटेक्ट कर रहे हो. सो तीन एसेट क्लासेस में से दो एसेट क्लास ऐसी हैं इस फंड के अंदर, इक्विटी सेविंग्स फंड के अंदर, जिनके अंदर वॉलिटिलिटी कम होती है एंड जो डाउन साइड में आपको प्रोटेक्शन देता है. सो आउट ऑफ थ्री जब दो ऐसी एसेट क्लासेस है तो यू नो ऑब्वियसली बात है कि फंड भी आपका थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल होता है, रिलेटिवली वॉलिटिलिटी भी इसके अंदर कम होती है. तो इसलिए इक्विटी सेविंग्स फंड एक ऐसा फंड है जिसके अंदर वॉलिटिलिटी प्योर इक्विटी फंड से या यू नो इवन अदर हाइब्रिड फंड जिनके अंदर मे बी नेट इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है उसमें वॉलिटिलिटी थोड़ी कम होती है. जैसे प्योर इक्विटी फंड की तरह खाली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ना होके इसके साथ साथ आर्बिट्राज और डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, बिल्कुल अब हम बात करते हैं मेरे एसेट इक्विटी सेविंग फंड के बारे में। आप इसमें क्या श्योर श्योर. इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि कितना इक्विटी में रखें, कितना डेट में रखें, आप उसके बारे में बताइए। तो अगर मैं हिस्टोरिकल रेंज देखूं हमारी नेट इक्विटी की, तो समवेयर इट इज ऑलवेज बीन बिटवीन 20% से लेके 45% तक. एंड डेट की रेंज हमारी रही है 10% से लेके 35% तक. एंड आर्बिट्राज की रेंज रही है 20% से 70% तक. अब ये आ गया एसेट क्लासेस की रेंज. अब इस फंड का थॉट प्रोसेस समझते हैं कि वो ही थॉट प्रोसेस समझ के इट विल गिव यू एन इनसाइट कि फंड मैनेज कैसे होता है. अब जो कोई भी इन्वेस्टर जो इक्विटी सेविंग्स फंड में आ रहा है, ये इस्टेब्लिश्ड है कि उनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है, राइट. उनको वो वॉलिटिलिटी नहीं एक्सपीरियंस करनी है, दे आर फाइन विथ मे बी उनका अल्फा जनरेशन इतना हायर ना हो, थोड़ा मीडियम रेंज में रहे तो वो उनको चलेगा. सो इस फंड में देन जो हम लोग कॉल्स देते हैं या जहां पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग इसको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्ट करते हैं कि मेरा इन्वेस्टर जो इस फंड में आ रहा है उसका रिस्क एपेटाइट हाई नहीं है, उसका रिस्क एपेटाइट है मॉडरेट टू लो. तो मैं अपने इक्विटी के अंदर, अपने डेट के अंदर या अपने आर्बिट्राज के अंदर जो पोजिशनिंग करूंगा वो भी उसी हिसाब से करूंगा. सो फॉर एग्जाम्पल अब इस फंड का इक्विटी प्रोपोर्शन की बात करते हैं. इस फंड में हिस्टोरिकली इक्विटी प्रोपोर्शन हैज ऑलवेज बीन अ लिटिल बायस्ड और टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप. अब लार्ज कैप आपके यू नो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, दे हैव ग्रेटर मोट, उनके पास एक एडवांटेज रहता है. हमने यू नो हिस्टोरिकली डेटा पॉइंट से देखा है कि इवन कोविड का पीरियड हो या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 का पीरियड हो, जो लार्ज कैप कंपनीज है उनके अंदर फॉल रिलेटिवली इन अ बेयर मार्केट सिचुएशन इतनी तेजी से नहीं आता, थोड़ी स्लोअर पेस से आता है जो कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में देखा जाता है. सेम
सिंस इक्विटी सेविंग्स फंड इज डिजाइंड विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडरेट टू लो रिस्क एपेटाइट, इसी वजह से इसके अंदर जो इक्विटी एक्सपोजर है वो हायर है टुवर्ड्स लार्ज कैप साइड. सो लगभग 75% एट ऑल टाइम्स ये फंड लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहता है, एंड रिमेनिंग 25% यू नो इज डिवाइडेड बिटवीन मिड कैप, स्मॉल कैप एंड वेरी इंसिडेंटल कैश कॉल्स. एज अ फंड हाउस वी डोंट रियली हैव ह्यूज कैश होल्डिंग्स अक्रॉस आर फंड्स. किसी भी फंड में वी ऑलवेज वी अंडरस्टैंड कि किसी भी इन्वेस्टर ने हमें पैसा दिया है वो निवेश करने के लिए दिया है, एंड यू नो वी शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ इट. तो करेक्ट ये इसका इक्विटी एसेट एलोकेशन हो गया. अब डेट की बात करें तो इसकी एवरेज मेच्योरिटी, डेट की में इन्वेस्टमेंट हमेशा एक जिसको कहते हैं किसको मध्य नजर रखते हुए देख करते हैं डेट में इन्वेस्टमेंट, तो वो आज के सिनेरियो में है इंटरेस्ट रेट. बट अब आप इंटरेस्ट रेट में भी आप क्या लॉन्ग कॉल लोगे एकदम, आप मीडियम कॉल लोगे या आप शॉर्ट कॉल लोगे, तो इस फंड का अगेन हम वापस जाएंगे रिस्क एपेटाइट पे. मेरे इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट मीडियम टू लो है, मॉडरेट टू लो है, तो मैं डेट में भी उसी पोर्शन पे इन्वेस्ट करूंगी जहां पे इस उसी पॉइंट इन टाइम पे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी लो होएगी. स्प्रेड्स भले ही थोड़े से सेंसिटिव एरिया से या फिर यू नो जहां पे ज्यादा वॉलिटिलिटी है उनसे भले ही कम हो, बट वो एकदम से कोई भी रेपो रेट चेंज हुआ, जीडीपी के नंबर्स अच्छे नहीं आए, या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से जिस पोर्शन में मेरे लेसर इम्पैक्ट पड़ेगा वही पोर्शन में ऑन अ डेट साइड हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं. एंड ड्यूरेशन एवरेज मेच्योरिटी अगर मैं इसकी बताऊं तो हिस्टोरिकली हैज बीन मेंटेन बिटवीन यू नो 2.5 to 3.5 years, कि जहां पे थोड़ा सेंसिटिविटी ऑफ सेंसिटिविटी लोअर होती है, इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है इंटरेस्ट रेट चेंजेस एंड मूवमेंट्स का. देन कम्स आर्बिट्रेज व्हिच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट इज ऑलवेज बीन अ यू नो नेट स्क्वायर की गेम है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वो चीज होती है. सो दिस इज हाउ मिराय एसेट थिंक्स अबाउट इट्स इक्विटी सेविंग फंड. सो ये तो बात थी मेरे एसेट इक्विटी सेविंग फंड्स के बारे में। अब जैसे आपने बताया कि इसमें हम यूजुअली कंसिडर करते हैं, जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसका रिस्क एपेटाइट कम है, मतलब वो कम रिस्क लेना चाहता है मार्केट में। तो बिल्कुल इज इट एडवाइजेबल जो एक नया इन्वेस्टर है और उसका टाइम होरिजन 3 से 5 साल है, बट वो FD में निवेश करके बैठा हुआ है, उसको रिस्क नहीं लेना है, क्या उसके लिए एडवाइजेबल होगा इक्विटी सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना? ओके. तो समझते, कोई भी इन्वेस्टर जो एफडी में जाता है, जैसे मेरे अगर ग्रैंडफादर हुए, दादाजी हुए, नाना जी हुए, उनको एफडी आज भी इतनी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि ना एक हम इंडियंस के दिमाग में एक श्योर शॉट चीज का, श्योर शॉट रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट है. हालांकि अब म्यूचुअल फंड्स और मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स कुछ आप कह नहीं सकते, बट एफडी में जो इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं उसका माइंड थॉट प्रोसेस क्या है अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रति, कि मेरे को अपना रिस्क कम होना चाहिए. तो उनके लिए एंड इवन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जिन्होंने आज तक इक्विटी मार्केट्स को एक्सपीरियंस नहीं करा थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, रोज इक्विटी मार्केट्स को देखना एंड यू नो इन्वेस्ट करके एक्सपीरियंस करना इज वेरी डिफरेंट. उन्होंने अगर एक्सपीरियंस नहीं करा तो हम कहते हैं हाइब्रिड एंड पर्टिकुलरली इक्विटी सेविंग्स फंड इज अ वेरी गुड कैटेगरी टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स. ये आपको वो फ्लेवर देगा, एक्सपीरियंस देगा कि कैसे इक्विटीज मूव होती हैं, क्या इम्पैक्ट इक्विटीज लाती है, क्या इम्पैक्ट डेट लाता है, क्या इम्पैक्ट आर्बिट्राज आता है, एंड एट द सेम टाइम आपका एक एक्सपीरियंस ना स्टेबल एक्सपीरियंस रहेगा. हर रोज ऊपर नीचे ईसीजी लाइन की तरह वैसा नहीं रहेगा इसके अंदर एक्सपीरियंस. सो यस, आंसरिंग योर क्वेश्चन, कि पहले जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टर्स जो एफडी के बाद एफडी जैसा लाइक प्रोडक्ट देख रहे हैं, आई विल नॉट से कि इक्विटी सेविंग्स फंड इज इक्वल टू एफडी, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द केस, बट रिस्क बेसिस पे रिलेटिवली लो रिस्क फंड है, सो मॉडरेट टू लो रिस्क फंड है, सो ऑफ कोर्स सच इन्वेस्टर्स कैन ऑलवेज लुक एट इक्विटी सेविंग्स फंड ऑल्सो. डेफिनेटली, तो इस फंड में कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड, जैसे हमने पहले ही बात की, वॉलेटिलिटी उतनी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे डेट भी बिल्कुल मिलेगा, आर्बिट्राज भी मिलेगा, इक्विटी भी मिलेगा, बट आपके रिटर्न्स FD से बेहतर हो सकते हैं अगर हम पोस्ट टैक्सेशन की बात करें। तो चलिए बिल्कुल हम टैक्स के बारे में बात करते हैं कि मेरे एसेट इक्विटी फंड पर टैक्स कैसे लगता है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो कैसे लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो कैसे लगता है? श्योर. सो अभी बजट 2024 जो जुलाई में रिवाइज आया था उसमें पहले हमारा टैक्सेशन ऑन लॉन्ग, पहले मैं लॉन्ग टर्म से शुरू करती हूँ. एल
चीज जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल 10%, नाउ इट इज 12.5%, एंड पहले अमाउंट रिलैक्स्ड अमाउंट क्या था फिर आफ्टर व्हाट अमाउंट वाज 1 लाख रुपीज, अब वो अमाउंट बढ़ के हो चुके हैं 1.25 लाख रुपीज राइट नाउ। अब आपको जो शॉर्ट टर्म गेन्स है उसके लिए वो कोई मिनिमम अमाउंट वैसा नहीं होता है, दैट इज बीइंग टैक्स्ड आई थिंक इट इज ऑन 15% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 20% आई बट थिंक या इट्स 20%, सो सॉरी या इट्स 15% वॉज अर्लियर एंड नाउ इट्स 20%। सो या एस टी सी जी, अगर अब एस टी सी जी और एल टी सी जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एनी इन्वेस्टमेंट जो कि 12 मंथ से ज्यादा हो जाती है, मतलब 1 साल से ज्यादा, उसको हम इक्विटी फंड्स में या इक्विटी टैक्स रिलेटेड फंड्स में डिफाइन करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि 12 मंथ से कम होती है उसको हम डिफाइन करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो अगर राइट आपका इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा है तो आपको आपको सेल करने पे, रिडीम करने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, अगर 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। ओके। तो ये टैक्सेशन की बात हुई, इसलिए ये एफडी से बेहतर इसलिए, अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो आपकी टैक्सेशन एज पर एफडी में सेलेक्ट। तो आपका एज पर योर इनकम टैक्स ब्रैकेट वो जाता है, सो अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट पे हो तो आपको फ्लैट हायर टैक्स रेट आपका उधर जाता है, इधर द टैक्स ब्रैकेट या आपका पर्सनल इनकम टैक्स ब्रैकेट रियली डज नॉट मैटर, ये एलटीसीजी एसटीसीजी के बेसिस पर टैक्सेशन यहाँ पर कैलकुलेट होती तो इस वजह से पोस्ट टैक्सेशन रिटर्न्स इक्विटी सेविंग फंड में बेहतर होते हैं एफडी से, है। ये भी एक राइट रीजन है। राइट एफडी में अगर आप हायर स्लैब रेट में, जैसे आपने बताया, अगर 30% स्लैब रेट में 30% हाँ यू हैव टू पे टैक्स, बट इक्विटी सेविंग फंड में यू हैव टू पे ओनली 12.5% आफ्टर 1 ईयर, राइट वो भी तब अगर आपकी एग्जेम्पशन 1.25 लाख की एग्जॉस्ट हो जाती है। सो दिस इज राइट अबाउट टैक्सेशन। या सो अब हम बात करते हैं मेरे एसेट इक्विटी सेविंग फंड की परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप बताना चाहें श्योर फंड ने श्योर, कैसा परफॉर्म किया है पिछले 3 से 5 साल में कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। सो इन कंपैरिजन टू इट्स बेंचमार्क एंड इट्स पीयर सेट, 5 साल का अगर मैं इसका क्वार्टाइल रैंकिंग देखूं तो इट हैज बीन ऑन नंबर 1 पीरियड, एंड ओके ये मैं राइट फ्रॉम फेब्रुअरी टू 30th अगस्त या अभी तक का अगर मैं डेटा भी देखूं तो ऑन 5 ईयर्स बेसिस तो इट्स इन क्वार्टाइल 1, एंड ओके फ्रॉम 1 to 3 ईयर बेसिस इट हैज बीन कंसिस्टेंटली इन क्वार्टाइल 2, एंड इट हैज बीटन इट्स बेंचमार्क, एंड इसके बेंचमार्क से मतलब अल्फा जनरेशन ऑफ कोर्स वेरीज आपका एवरी मंथ ऑन मंथ या एवरी डे ऑन डे पीरियड, बट लगभग इसकी रेंज जो हमने नोटिस करी हैज बीन समवेयर बिटवीन एकदम मिनिमम साइड पे अगर मैं देखूँ तो 3%, मैक्सिमम साइड पे देर हैव बीन ऑल्सो गुड डेज जहाँ पे 8% है, 5% है, तो ये है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो सजेस्ट दैट म्यूचुअल कोई भी इन्वेस्टर जब आते हैं आप जो रिटर्न्स देखते हो ना, आप पास्ट के रिटर्न्स देखते हो, आप अभी से प्रीवियस टाइम के देखते हो, अभी से आने वाले टाइम पे रिटर्न्स की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि कैसे होंगे डेफिनेटली कैसे नहीं होंगे। इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी समझना, उसके रिस्क प्रोफाइल आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच हो रही है ये समझना बहुत जरूरी है। सो राइट इंस्टेड रिटर्न्स ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ इज अ बिग पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बट उसके अलावा भी और भी चीजों और भी फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, जैसे ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दी म्यूचुअल फंड हाउस जो दिख है, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दी फंड मैनेजर क्या है उस पर्टिकुलर फंड का, एंड वो फंड की स्ट्रैटेजी क्या है, लॉन्ग जैसे कि इक्विटी में लार्ज कैप ओरिएंटेड है, मिड या स्मॉल कैप ओरिएंटेड है, या फिर डाइवर्सिफाइड है, डेट में कैसी है, क्या आपको थोड़ा इंक्लिनेशन हो रहा है आपके रिस्क एपेटाइट के साथ उसकी रिस्क फंड की रिस्क प्रोफाइल का, ये सब फैक्टर्स को भी देखना काफी जरूरी होता है। ओके। तो ये फंड की परफॉर्मेंस की बात, पिछले 3 साल की बात करें या 5 साल की बात करें, फंड हमेशा या तो टॉप 1 या टॉप 2 क्वार्टाइल में ही रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरे एसेट इक्विटी सेविंग फंड। आई होप वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस तानिया। थैंक यू सो मच, आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर श्योर अच्छे से किए। आई होप ये हमारे पार्टनर्स के लिए एंड हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आज श्योर, आपने ऐसा थैंक यू सो क्वेश्चन। मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.